श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों कैसे हों, आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दर्शकों 22 सितंबर दिन शुक्रवार पड़ रहा है और इस दिन प्रदोष भी पड़ रहा है, लेकिन दर्शकों इस शुक्रवार को आप लोगों को एक छोटा सा उपाय करना है। कहा जाता है कि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा कराने का और उनके आराधना करने का विधान माना जाता है। इसी के साथ दर्शकों शुक्रवार के दिन कुछ ऐसे कार्य जिन्हें हर व्यक्ति को करना चाहिए, जिसको करने से ही माता लक्ष्मी का घर में वास होता है, साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी तरह दर्शकों आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा शुक्रवार का मात्र उपाय बताने जा रहे हैं, छोटा सा कार्य बताने जा रहे हैं जिसे करना है। किसी भी शुक्रवार को आप लोग कर सकते हैं और इस कार्य को आप लोगों रोजाना भी कर सकते हैं, जिसको करने से माता लक्ष्मी आपके घर में स्वयं प्रवेश करेगी, दौड़ी चली आएगी। तो दर्शकों आप लोगों को किस प्रकार से इस छोटे से उपाय को करना है वह जानकारी इस चैनल के माध्यम से बताएंगे। अभी तक आप सभी ने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, हर बार की तरह कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। तो दर्शकों इस दिन आप लोगों को सुबह सुबह स्नान करने के बाद में अपने घर में पोछा मारना है और पोछे की बाल्टी में आप लोगों को एक या दो चुटकी चम्मच आप लोगों को नमक डालना है और नमक वाले पानी से आपको शुक्रवार के दिन घर में पोछा लगाना है। दर्शकों कहा जाता है कि जो नमक होता है, नमक में बहुत सी वास्तविक शक्तियाँ समाई होती हैं, जिनकी वजह से नमक नेगेटिव जो भी ऊर्जाएं होती हैं उनको दूर करता है। साथ ही दर्शकों इस दिन आप लोगों को आपके घर में एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें आपको नमक और फिटकरी के छोटे छोटे टुकड़े करके डालना है और अपने घर में आप लोगों को उसे रखना है, जिसे रखने से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होगा वो दूर होगा, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होगा, माता लक्ष्मी का निवास होगा, जिसकी वजह से धन संबंधी समस्या खत्म होगी। तो इस तरह दर्शकों इस दिन आप लोग इस छोटे से एक कार्य को अवश्य करें, बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।